पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हम हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, आपने हमें ये मौका दिया हम आपके वचन में से, आपके कलाम में से सीख सकें। बाइबल कहती है कि ये वचन जीवित हैं। जब ये वचन आज हमारे ऊपर खुलें तो ये हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएं। हमारी जिंदगियां सेम ना रहें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। आप हमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आप सेम नहीं रहने वाले। हालेलुया। तो आज के वचन को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह पे फेथ करने के बाद भी, अपने आप को अलग करने के बाद भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल वैसी ही क्यों बनी रहती है। क्यों ऐसा है कि हमें लगता है कि हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, फिर भी ऐसा हमारी लाइफ में क्यों? आज आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ने एक ऐसी की, एक ऐसी चाबी बाइबल में हमें बताई कि जो हम जब करेंगे तो हमारी लाइफ की जो भी वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए वो डिस्कनेक्ट होंगी। वो चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जो चीज़ें हमें सही से चलने नहीं देती, वो चीज़ें डिस्कनेक्ट होंगी। हालेलुया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक विश्वासी की लाइफ की ये नहीं कि वो विश्वास नहीं करता, ये नहीं कि वो बाइबल नहीं पढ़ता, ये नहीं कि वो धर्म के काम नहीं करता। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बिलीवर को लगता है कि अगर मैं मसीह को जानता हूँ, अगर मैं यीशु मसीह को अपना चुका हूँ, तो अब मेरी लाइफ में मैं जैसे मर्जी चलूँ, जो मर्जी करूँ, अब मुझे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। बहुत बार हम ओवर स्पिरिचुअल होकर ऐसा सोचते हैं कि अब किसी भी चीज़ का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, मैं जैसे मर्जी चलूं। जब हम ऐसा चलते हैं वही वक्त होता है जब डेविल अटैक करता है और हम उस अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं होते और लॉस में चले जाते हैं।
मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि कैसे हम एक विक्टोरियस लाइफ को जीत सकते हैं, कैसे जी सकते हैं एक वो लाइफ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सोची और रखी थी। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। आज प्रॉब्लम यह है कि एक विश्वासी को लगता है कि मैं अपनी लाइफ में जिस तरह मर्जी चलूं, मेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम चीज़ों को लोगों को दिखाने, शो ऑफ करने में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। आज भी एक बिलीवर अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है, इसकी वजह क्या? आज भी वो बीमारियों में है, इसकी वजह क्या? क्या वचन झूठ हो गया? क्या यीशु मसीह बदल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आज प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर एक विश्वासी को ब्लेस करता है, चाहे वो फिजिकली उसको हील करे, चाहे वो उसको फाइनेंशियली ब्लेस करे, चाहे उसको परिवार में ब्लेसिंग दे, उसके बाद उसको लगता है अब मैं जैसे मर्जी चलूं। जहां पे वो ये डिसीजन अपनी लाइफ में लेके आता है, वहीं पे डेवल अटैक करता है। बाइबल कहती है, सबोपदेश की किताब में लिखा कि जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो नहीं टूटती। कौन सी 3 धागों की बात यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने वहां पे कही? कौन सी वो 3 धागे हैं उस डोरी में जो अगर हों तो हमारी वो डोरी नहीं टूटेगी? कौन सी डोरी की बात वहां पे की गई? मैं आपको बताऊंगा वचन में से कि कैसे हम अपनी लाइफ को विक्टोरियस लाइफ करके जी सकते हैं अगर हम वचन को फॉलो करें। बाइबल कहती है वचन को सुनने वाले नहीं उसके ऊपर चलने वाले बनो। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिनको सुन के, जिनके ऊपर चल के हम अपनी लाइफ को विक्टोरियस बना सकते हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करो, शो ऑफ करने के लिए ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पसंद नहीं। यीशु मसीह ने कहा, अगर आप 5 अध्याय को पढ़ेंगे, कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरी करने आया। इसका मतलब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो व्यवस्था है उसको भूल जाओ, उसको अब खत्म कर दो, उसके लिए बात मत करो, अब मैं आ गया, अब सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार ना करना, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ अपने मन में भी किसी के लिए गंदा मत सोचना। उसने कहा तुम सुन चुके थे तुम चोरी ना करना, हत्या ना करना, पर अब मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने मन में भी किसी के प्रति वैर विरोध मत रखना। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस लॉ को खत्म नहीं किया पर उसको और हार्ड कर दिया। पर आज प्रॉब्लम यह है कि बिलीवर को लगता है कि यीशु मसीह को अगर अपना लिया तो अब मैं जो मर्जी करूं। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इन व्यवस्था की बातों को खत्म करने नहीं, पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिनको बाइबल कहती है कि अगर इस डोरी में ये 3 चीज़ें, ये 3 धागे जुड़े होंगे तो ये डोरी नहीं टूट सकती। हालेलुया। हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि क्यों आज बिलीवर अपनी लाइफ में विक्टोरियस नहीं है, क्यों आज भी स्ट्रगल एक विश्वासी की लाइफ का हिस्सा है। हम फ्री फील करते हैं अपने आप को, अब जो मर्जी हम करें हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब भी तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब भी तुम्हें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेंगी। याद रखो, जब कभी यीशु मसीह ने हीलिंग की, जब भी यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, लोगों को छुटकारा दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा आज के बाद फिर से इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, आज के बाद इन चीज़ों में फिर से नहीं चले जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी लाइफ पहले से भी बदतर हो जाए। हालेलुया। इसका मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस यीशु मसीह ने उनको दी, कुछ इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह हमें आज देता है ताकि वो चीज़ों को हम फॉलो करें, उन चीज़ों को हम पूरा करें, ताकि हमारी लाइफ सिंपल बिल्कुल ऐसे हो जाए कि कोई स्ट्रगल नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। यीशु मसीह ये चाहते हैं। बाइबल कहती है एक समय पे एक व्यक्ति के बेटे में दुष्ट आत्मा थी, वो कभी उसको पानी में कभी आग में फेंकती थी। वो व्यक्ति को जब पता चला कि यीशु मसीह और उसके चेले लोगों को इन चीज़ों से फ्री करते हैं, वो अपने बेटे को यीशु मसीह को चेलों के पास लेके गया। चेलों ने प्रार्थना की पर उस लड़के में से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। तभी वहाँ से यीशु मसीह को आते हुए उस व्यक्ति ने देखा, वो भाग के यीशु मसीह के पीछे गया। उसने कहा हे प्रभु, मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा है, कभी उसको पानी में कभी उसको आग में वो फेंकती है, मैं उसको तेरे चेलों के पास भी लेके गया पर तेरे चेले उसे निकाल नहीं सके, अगर हो सके तो तू उस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने उसको कहा अगर तू कर सकता है ये क्या बात है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उसका बेटा उसी घड़ी चंगा हो गया। चेलों ने बाद में जाके यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु क्या कारण है कि हम इसे नहीं निकाल सके, क्या विश्वास की कमी के कारण? यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये कुछ जातियां बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। इसका मतलब उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी हिस्सा हमारी लाइफ का होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा वो कौन से तीन धागे हैं जो उस डोरी में बंधे होने चाहिए ताकि आपकी लाइफ प्रभावशाली हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हों, प्रभाव रहित ना हो। हालेलुया। मैंने आपको बताया, लिखा है कि जब तू अपने धर्म के काम करे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं पर अपने स्वर्गीय पिता को जो गुप्त में तुझे देखता है उसको दिखाने के लिए तुझे ये करना है। मैं आपको बताऊंगा उन तीन धागों के बारे में। सबसे पहला धागा जो बाइबल बताती है, आप आगे पढ़ेंगे दो आयत में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना देखने पाए ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल दे। बाइबल कहती है जब तू दान करे, बाइबल ऐसा नहीं कहती अगर तू दान करे। दान करना ये हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। ये पहला धागा है उस स्टोरी का। दूसरा धागा उस डोरी का क्या है? लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल वो पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब हमें रेगुलर रूटीन में प्रार्थना करनी है। जब तू प्रार्थना करे, अगर तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने नहीं बोला आज कहीं हम सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस ऐसे मसीह तो नहीं कि सिर्फ साल में तीन बार या चार बार या मुसीबत के समय ही प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब दूसरा धागा प्रेयर लाइफ है। आपको प्रेयर लाइफ अपनी मेंटेन करके रखनी है, प्रार्थना वाली लाइफ बना के रखनी है। एवरी डे, रोज 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 आपको प्रार्थना करनी ही है। हालेलुया। तीसरा धागा वहां पे लिखा है
16 आयत में, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल के मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे, इसका मतलब उपवास करना हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अगर आज से पहले आपने उपवास फास्टिंग नहीं की तो आपको इसको करना शुरू करना है। आप उसको कुछ घंटों से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे से शुरू करेंगे वो बढ़ेगी। आप, मैंने आपको पढ़ाया था, यीशु मसीह ने कहा मैं बोने वाले को बीज देता हूँ, ये एक बीज की तरह है। अगर आप 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से शुरू करेंगे उपवास को करना, वो बढ़ता जाएगा, फिर आप उसको पूरा करने पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जब तू दान करे, यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे। इसका मतलब दान, उपवास और प्रार्थना, ये हमारी लाइफ के अटूट अंग होने चाहिए, एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो हमारी लाइफ से कभी भी दूर ना हो। जब हम ऐसा करेंगे तो उसने कहा जब तू ऐसा करेगा तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभाव रहित नहीं होगा। जब तू ऐसा करेगा परमेश्वर तुझे विजडम देगा, तुझे वो ऐसा माइंड देगा, हेवनली विजडम देगा। तू चीज़ों को समझने पाएगा, सॉर्ट आउट करने पाएगा, चीज़ें अपने आप से फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को करना नहीं चाहते और हमें लगता है यीशु मसीह को जान लिया यही काफ़ी है। ये सही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो नहीं टूटती। अंधकार की शक्तियां, शैतान भी आपको डिस्टर्ब करने से डरेगा जब आप इन चीजों में पूरे होंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम यीशु आने वाला है, बेदार रहना हरदम यीशु आने वाला है। जलाए रखना यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शमें जलाए रखना यीशु आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने इस डोरी को, अपनी इस लाइफ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया दान करना, उपवास करना और प्रार्थना करना, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर बात करेगा आपसे, परमेश्वर आपको हेवनली विजडम देगा। आज प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं कि विश्वासियों के पास पैसा नहीं, आज प्रॉब्लम ये है उनके पास मैनेजमेंट नहीं। ऐसा नहीं कि विश्वासी के पास 24 घंटे की बजाय 15 घंटे हैं, वो भी सेम आवर्स ही लाइफ जी रहे हैं, पर उनको मैनेजमेंट की समझ नहीं। वो मैनेजमेंट की स्पिरिट आपको देगा जब आप उसके साथ बने रहेंगे, जब आप उपवास करेंगे, परमेश्वर ट्यून इन करेगा आपको,
अपने साथ, आप उसकी आवाज़ को सुनने पाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। हालेलुया। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मरकस रचित सुसमाचार और उसकी 7 आयत से। यहाँ पे लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और माता का आदर कर, जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुँचा सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको अपने पिता व अपनी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन, टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। याद रखो, हमें इस तरह से अपने आप को नहीं बनाना कि हम बस इन चीज़ों को हम फॉलो करते रहें, किसी भी चीज़ को सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करते रहें। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें खुद से परमेश्वर से मांगना है, हमें विजडम दे। जब हम दान प्रार्थना उपवास करेंगे परमेश्वर बात करेगा। बाइबल कहती है, तू अपने माँ बाप का आदर कर। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स का आदर करें, सत्कार करें, उनकी चिंता करें, उनके लिए हम चीज़ों को मुहैया करें। बाइबल कहती, जब तू ऐसा करेगा तो लंबी आयु जिएगा। अब लंबी आयु जीने के लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी पेरेंट्स के अधीन रहना, पेरेंट्स के साथ सही तरह से डील करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनके लिए खड़े रहो। यह आपको लॉन्ग लाइफ जीने में हेल्प करेगी। आज विश्वासी के पास पैसा आता है पर उसको पता नहीं कि इसको यूज़ कैसे करना। जब पैसा आता है तो उसको एकदम से उड़ा देना, महंगी चीज़ों को ख़रीद लेना, और फिर जब अपनी किसी प्रॉब्लम में चले जाना, फिर दूसरों से पैसा उधार मांगना, ये सही नहीं। हमें मैनेज करनी है चीज़ों को। हमें दान भी करना है, हमें अपने घर को भी देखना है, हमें मैनेज करना है चीज़ों को। बाइबल कहती है कि जो अपने परिवार को मैनेज करने से मुकर गया, उसकी सुधि लेने से मुकर गया, वो विश्वासी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आपको अपने परिवार को पालने के लिए हर बार उधार मांगना पड़े, ये एक विश्वासी की निशानी नहीं। परमेश्वर आपको पैसा भी देगा, परमेश्वर आपको मैनेजमेंट का स्पिरिट भी देगा, पर अगर आप पैसे को लेके ना तो दान करेंगे, ना उपवास करेंगे, ना प्रार्थना करेंगे, वो पैसा ठहर नहीं सकता। बाइबल कहती है कि जो थैली वो देता है उसमें वो छेद नहीं देता। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि फरीसी लोग बोलते थे कि जो पैसा तो अपने माँ बाप के ऊपर लगाने वाला था उसको दान कर दे, इसलिए अब माँ बाप के लिए पैसा नहीं पर दान करने के लिए पैसा है, ये सही नहीं। हमें अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का भी उतना ही ध्यान रखना है। पर यह होगा कैसे? मैंने आपको बताया, जब ये डोरी 3 धागों से बंधी होगी, जब आप दान करेंगे, उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सेम लेवल में नहीं रहने देंगे। वो आपसे बात करेंगे, हेवनली विजडम देंगे आपको। हालेलुया। जब ये चीज़ें अपनी लाइफ में हम करते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, गुप्त में है, वो तुम्हें देखता है। शायद आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में मेरी सैलरी तो उतनी ही है, शायद आपको लग सकता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, और अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आपके सोर्सेज बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये किसी लालच के लिए नहीं बोल रहा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आदम का सहायक उसी में से परमेश्वर ने निकाला, ईव को उसी में से निकाला गया। आपका सहायक, आपकी हेल्प आपके बीच में से परमेश्वर निकाल देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, दान करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी इनकम को बढ़ा सकता है या आपके खर्चों को कम कर सकता है। वो आपको हील कर सकता है, वो आपके फजूल खर्चों को बंद कर सकता है। जो पैसा आप ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते हैं जो ज़रूरी नहीं, वो उसको बंद कर सकता है। पर जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है? गुप्त में प्रार्थना में जाना है, उपवास में जाना है, हमें वचन को पढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है।
दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज लोग ट्रबल में चले जाते हैं, अगर मेरे पड़ोसी ने अच्छी कार ली मुझे उससे बड़ी कार लेनी है, क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। और ऐसा करके हम कर्जे में जाते हैं, ट्रबल में चले जाते हैं। याद रखो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल कहती है अगर तू गुप्त में परमेश्वर के साथ बना रहेगा तो वो पब्लिकली तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, मेरा विश्वास है आप इन वचनों के साथ ब्लेस हैं। आप आज से उपवास भी शुरू करेंगे, प्रार्थना भी शुरू करेंगे, वचन को भी पढ़ेंगे और दान भी करेंगे। हालेलुया, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज जैसे आपके वचन में से हमने सीखा कि हम दान, उपवास, प्रार्थना और वचन को पढ़ना ना छोड़ें ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने रह सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपके साथ चल सकें। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज से इनकी लाइफ चेंज हो। ये खुदावन आज से अपनी लाइफ में उपवास करने वाले हों, आज से अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाले हों, बोने वाले हों, वचन को पढ़ने वाले हों, ताकि इनकी लाइफ में गवाही खड़ी होने पाए। आप हमारी मदद करें और सहायता करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, तो मेरा फेथ है कि आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250 6044540101। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके हमारे साथ परमेश्वर की संगति, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए, तो एड्रेस आप जानते हैं 660 East 51st Avenue, वैंकूवर BC। आप एवरी संडे, हर इतवार आप हमें मिल सकते हैं दोपहर 1 बजे, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करने के लिए, तो जॉय टीवी के थ्रू, फेथ टीवी के थ्रू, मसीही पैगाम टीवी के थ्रू, रेडियो 600 AM शेरे पंजाब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आप इन सब सोशल मीडिया माध्यम के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलके प्रार्थना करेंगे, मिलके दुआ करेंगे, एक मन होके बने रहेंगे, और मैं ये जानता हूँ जब हम ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।